माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। मैं सुशील द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव जी का हम सभी पे आशीर्वाद बना रहे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विक्टर अलजेब्रा रिविजन 28 क्लास 12th के लिए। ऐसे पहले हमने 27 वीडियो जिसपे बनाए हुए हैं रिवीजन सीरीज पे, आई होप कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे और आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आपका एग्जाम अच्छे से जाए ऐसी मेरी शुभकामना है। इसी के लिए आप लोग के साथ मैं डेली एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि आपको हर टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ना है, इसका जवाब मिलता रहे। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही होगा वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D दोनों मिलाकर के 17 मार्क्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया है आज, ये वेक्टर अलजेब्रा के आज इसके कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे आज ही की वीडियो में। तो शायद ना ख़त्म हो, कल ख़त्म होगा, पर शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इफ ABC इज अ ट्रायंगल एंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक है, इसका नेम है ABC और जो D है इसका मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो ये लो भाई, हमने इसको D यहाँ पे मान लिया। ये क्या है मिड पॉइंट, जिसे हिंदी में मध्य बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये AB प्लस AC इक्वल होगा 2AD। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। देखिए यहाँ पर टेकिंग D एज ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, क्या है ये D अगर ओरिजिन है और BC का ये मिड पॉइंट पे है, तो ये जो, चलो इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, ये हो गया क्या AD, ये है AB और ये है AC। इस एरो को आप पहचान ही रहे होंगे, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हमेशा उसके डायरेक्शन जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब डिफिनीशन ही कहती है भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो हम कहते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है ये तो भाई हमेशा डायरेक्शन ले के चलेगा, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो AD इज इक्वल टू, वही लाइन लिख देंगे, टेकिंग D एज ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, AB प्लस AC अपॉन 2, ठीक है। और देखो ये कैसे आया है, इसके लिए देखिए डिवीजन, वेक्टर का भी डिवीजन फार्मूला होता है, आप उसे भी सॉल्व करोगे तब ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2AD इज इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। बिल्कुल ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी कण पर ये तीनों बल कार्य कर रहे हैं तो प्रूव करिए कि स्टेबल होंगे। स्टेबल मतलब क्या होता है, स्थायी होना। देखिए अगर 3 फोर्स दिए हैं और किसी पार्टिकल पर ये वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो स्टेबल तब होंगे जब इनका नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो चलो हम यहाँ पे इसका नेट फोर्स निकालते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। ये बारी बारी से जो 3 फोर्सेस दिए हैं इन्हें हम F1 F2 F3 कह सकते हैं। तो F1 कितना है, ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k, F2 ये बाद वाला है, कितना है, -4j प्लस i एंड F3 ये हो गया j -4k -3i। अब ज़रा आप ध्यान से देखो, 2i माइनस 4 हम क्या करेंगे, यहाँ पर i j के तीनों वाले हैं, तो हम तीनों में से जो सेम कैटेगरी के हैं, लाइक i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, उनको एक साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें ये 2i दिख रहा है और ये i, 2i प्लस i 3i हो गया और ये -3i, यानी कि प्लस 3i माइनस 3i। j की बात करूँ तो 3j ये है और -4j, मींस ये तो हो गया -j, एक j और है ये प्लस j। वैसे हम पहले इसी लाइन में भी कट कर सकते थे, मैंने लिख दिया अलग अलग कि आप आसानी से देख सकें, 4k ये है और -4k ये तो सेम ही है एक ही जगह पे, तो ये 0, ये भी यहाँ कट गए, क्या बचा हमारे पास, 0। अभी मैंने बताया था कि अगर नेट फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो फोर्सेस क्या हैं, स्टेबल हैं, बिल्कुल सिंपल है। 3 फोर्स दिया था, किसी पॉइंट पर ये एक्ट कर रहे हैं,
किसी पार्टिकल पर हमें दिखाना था कि ये स्टेबल है यानी कि स्थाई है, उसके लिए मैंने बताया कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो स्टेबल है। तो हमने दिखा दिया इन तीनों का सम जीरो आ गया, तो अगली लाइन लिख देंगे सिंस नेट फोर्स इज जीरो सो दिस विल बी स्टेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ए आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के एंड वेक्टर b इज इक्वल टू फाइव आई माइनस जे माइनस थ्री के, देन फाइंड a प्लस b डॉट a माइनस b। देखिए जैसे कि आप जानते होंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह से होते हैं जिन्हें अदिश गुणन और सदिश गुणन कहते हैं। जब डॉट लगा होता है तो उसे स्केलर कहते हैं और क्रॉस में क्या होता है वेक्टर होता है। तो भाई इस डॉट प्रोडक्ट को तो निकालेंगे वो बाद की बात है, सबसे पहले a प्लस b हम निकाल लें। तो a प्लस बी मीन्स क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। i प्लस फाइव आई कितना हो जाएगा 6i, 3i माइनस जे ये हो जाएगा 2j। आप कहोगे ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, भाई जब साइन माइनस का है तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना। इसी तरह माइनस फाइव माइनस थ्री मीन्स माइनस 8k। ठीक है, अब हमने क्या किया a माइनस बी निकाला। अब देखिए इस बार b के पहले माइनस है, मीन इन सभी के साइन जो b वाले हैं चेंज हो जाने हैं। तो ये 1 माइनस 5 हो जाएगा मीन्स माइनस 4i कैप, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा मीन्स 3 प्लस 1 फोर जे कैप, और ये माइनस में ये भी प्लस हो जाएगा यानी माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया वेक्टर a प्लस बी निकाल लिया और वेक्टर a माइनस बी निकाल लिया। अभी इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी डॉट a माइनस पी। अब आपको याद हो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में कुछ खास बातें होती हैं, वो क्या है कि वेक्टर i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब जहां पे i i हो उसको मैं 1 लिख दूंगा, j डॉट j 1 लिख दूंगा, k डॉट k 1 लिख दूंगा, एंड व्हाट अबाउट i j j k k i वो सभी 0 होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i होगा 0। पर ध्यान रहे ये हम डॉट प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं, अभी हमने कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बात नहीं किया। मीन्स ये जो रूल हैं ये अप्लीकेबल किसके लिए होने हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब बिल्कुल सिंपल है, देखो ये i डॉट i है, हम इसका कर लेंगे j डॉट j का इसके साथ, k डॉट k का इसके साथ, बाकियों का हमें चेक ही नहीं करना, जो कि मालूम है कि ij जहां मिलेगा, jk जहां मिलेगा, ki जहां मिलेगा वो सभी क्या हो जाने हैं, जीरो हो जाने हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया 6 4 जा 24 माइनस लगा है तो माइनस 24, 2 4 जा 8 एंड ये दोनों माइनस में है, माइनस 8 माइनस 2 तो ये प्लस में हो जाएगा, 8 2 जा 16, ओवरऑल वी हैव माइनस 24 प्लस 24 क्या आ गया 0 आ गया। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये भी 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया है इन्होंने, ये लीजिए हमने ए बी सी कह दिया। इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, ठीक है, मिड पॉइंट मीन्स मध्य बिंदु, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है ई है। तो हमें ये प्रूव करना है बी ई प्लस डी सी इज इक्वल टू 3/2 बी सी। तो देखो एक बात आप याद करो, नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम थी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट पे है ये लाइन, ठीक है, नाइन्थ क्या टेंथ में थी, तो ये जो लाइन होगी ये जो डी ई मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो ये क्या होगी इस बी सी के पैरेलल भी होगी एंड आधी भी होगी। इस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट था कि किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है एंड हाफ होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो DE है ये पैरेलल होगा किसके, BC के, एंड DE इज इक्वल टू होगा 1/2 BC। ठीक है ना, अब बिकॉज हम यहाँ पे वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे वेक्टर लगा दें, चलो DE इज इक्वल टू हाफ BC। ओके, अब हम बात करें जो हमारी प्रूविंग है, देखो BE दिख रहा है ना, चलो इसको जरा ज्वाइन करके देखते हैं, मैं से ये ज्वाइन करा दिया और क्या दिख रहा है DC,
इसको भी ज्वाइन करा दिया भाई, नहीं मिलेगा कहाँ से, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले क्या चाहिए हमें, BE चाहिए ना, तो BE देख लीजिए किस ट्रायंगल में आ रहा है, वो आ रहा है BEC में, ठीक है। तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल BEC, आप देख लीजिए ये है ना BEC। तो हम यहां पे BE को क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं BC प्लस CE, इक्वेशन फर्स्ट इसको कह दिया। अब दूसरा वाला देख लीजिए, और एक क्या चीज है हमारा DC ना, DC को हमने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल में ले लिया जो कि है हमारा BDC, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ये, तो इसी में लेते हैं, DCE में ही एक ही तरह के ट्रायंगल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमें प्रूविंग करना है वो वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, इन ट्रायंगल DCE ये कह दिया कि जो DE है ये किसकी इक्वल होगा, DC प्लस CE के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो BE वहां पे था और ये क्या है, DE है, नहीं बाय द वे DE नहीं, ये तो DC है, इसलिए हम यहाँ भी क्या करेंगे DC ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा DE प्लस EC। देखिए जब आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ाया जाता है जिसे स्थिति सदिश कहते हैं, मैं एक बार आपको याद दिला दूं, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है वेक्टर AB, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है OB माइनस OA मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ पे इस तरह से पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश लिखे जाते हैं। अब अगर आप कहें कि BE को हमने BC प्लस CE कैसे लिख दिया, अब आप जरा देख लो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, BEC ट्रायंगल की बात हो रही इसकी, ठीक है। तो जो BE है ये BC प्लस CE ही तो होगा ना भाई। देखिए ये वेक्टर में ऐसा क्या होता है कि जैसे अगर हम इस तरह ज्वाइन करा रहे हैं तो ये बीच वाला लैप्स हो जाता है, BC प्लस CE बीच वाला लैप्स हुआ तो BE ही बनेगा ना, और वो रिजल्टेंट होता है एक्चुअली परिणामी, तो उन दोनों के सम की इक्वल ही होता है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी में होता है, ठीक है ना। तो इसको भी हमने कह दिया इक्वेशन सेकंड। अब हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया यानी दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ दिया क्योंकि जो प्रूविंग थी वहां भी तो ये ऐड ही हुए हैं ना, तो BE प्लस DC इज इक्वल टू LHS, LHS के साथ जुड़ जाएगा, और जो RHS है वो RHS के साथ जुड़ जाएगा, मींस BC प्लस CE प्लस DE प्लस EC ऐसे। अब सर आप ध्यान से देखो, यहाँ CE लिखा है यहाँ EC लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, और ये जो BE और DC हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड जो DE है DE एंड BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये जो DE है BC का हाफ है, इसका मतलब मैं DE की जगह हाफ BC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो हमारी प्रूविंग है वो BC के फॉर्म में ही आ रही है, और EC को हम माइनस CE ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर में क्या होता है जब डायरेक्शन चेंज होती है तो साइन भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ना, CE और ECE क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 1BC ये हाफ BC, LCM लेंगे कितना आ जाएगा 3/2BC, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आसान भी और इम्पॉर्टेंट भी, ठीक है। कह दिया कि यूजिंग वेक्टर शो दैट दीज पॉइंट्स आर कुलिनियर, कुलिनियर को क्या कहते हैं, सनरेख, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कुलिनियर कहते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए बी निकाल लिया, ठीक है। अब ए बी निकाला तो अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि ए बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या जिसे हम ओ बी माइनस ओ ए भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आपके सामने ही है, माइनस फाइव कॉमा वन है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस फाइव आई माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, माइनस फाइव आई माइनस जे, ओके। प्लस है भाई तो प्लस ही रखेंगे, उसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ही बदल गया एक्चुअली, यहाँ पे माइनस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी कर देंगे,
तो बी सी को आप जानते ही हो, ओ सी माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ ओ ए तो लिखा ही नहीं है, ओ ए में फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस टू आई प्लस जे, जो पहला होता है हम उसे आई लिखते हैं और जो दूसरा वो जे, अगर तीसरा ज़रूरत पड़े दिया हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो माइनस फाइव आई माइनस जे, मैंने ब्रैकेट खोला तो यहाँ पे टू आई माइनस जे, तो टू माइनस फाइव माइनस थ्री आई एंड ये माइनस टू जे आ गया, ठीक है। या अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यही चीज़ थ्री आई प्लस टू जे हो गया, हमने ए भी निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का देख ही रहो 1,3 है, मीन्स आई प्लस थ्री जे हो जाएगा, माइनस बी का तो वही वाला है माइनस फाइव आई माइनस जे। फिर से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, मीन्स फाइव आई प्लस जे हो जाएगा, ठीक है। तो 5i प्लस आई कितना होता है 6i एंड 3i प्लस आई कितना होता है 4i, ओके। तो अब आप देखो जरा इसमें 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 3i प्लस 2j बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, बाय ऑब्जर्विंग AB ये जो BC है वो क्या है, BC इज इक्वल टू माइनस 2AB है कि नहीं, देखो ना इसका डबल ही तो है ये। तो दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू बी सी। देखो भाई ए बी इज इक्वल टू एन बी सी, या ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू एन वेक्टर बी, यानी उसके मल्टीपल में अगर आ रहा है तो वो पैरेलल होता है। तो यहां पे पैरेलल का केस बन गया, बट यहां पे बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो ए बी सी है यहां पे वो क्या है, कोलिनियर है या संरेख है। भाई सारी सी बात है ना, कॉमन। अब जैसे देखो ना, ये ए बी है और ये ए बी और ये बी सी, तो ऐसे तो पैरेलल हो नहीं सकता। अगर पैरेलल होगा तो ऐसे होगा, तो फिर कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। तो पैरेलल भी हो और कॉमन पॉइंट भी हो तो वो एक ही केस होता है, क्या होता है, कोलिनियर होना या संरेख होना, ठीक है। तो इस वजह से आज मैंने कुछ आसान क्वेश्चन लिए, लेना और भी क्वेश्चन था पर अब आज यहीं तक। कल के क्वेश्चन में इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं, कल की वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू।